मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी बुक सेकंड, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब कि भारत का भौतिक पर्यावरण। ओके, भारत का भौतिक पर्यावरण जो बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया लोकेशन, मतलब कि भारत की स्थिति, मतलब पूरे विश्व पर, ग्लोब पर, अर्थ पर भारत की स्थिति कैसी है। तो पूरे विश्व पर भारत की स्थिति कैसी है, तो हम देख सकते हैं आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है हमारे यहाँ पे। तो इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो कि किस तरह से इंडिया की पोजीशन है, कहाँ पे है इंडिया। तो आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड का मैप है ये। इस पूरे वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, और इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और ये साउथ पैसिफिक ओशन है। ओके, तो अब उसके बाद में आप देख सकते हो अमेरिका की इस साइड में, मतलब कि वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन है। ओके, तो क्लियर हो गया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। ओके, हम क्या समझ रहे हैं कि इंडिया की अर्थ पे या वर्ल्ड में उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो तो ये पूरा आर्कटिक एरिया है, ग्रीनलैंड वगैरह, और जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स आर्कटिक एरिया में आते हैं, और उसके बाद ये वाला यूरोप का पार्ट आ जाता है। आप देख सकते हो यूरोप का पार्ट है। यूरोप को अगर झूम करके देखना चाहे तो यहाँ पर यूरोप दिखाई देगा आपको। आप यूरोप को देख सकते हो, देखो बिल्कुल यूरोप नज़र आ रहा है आपको, जो मैं वहाँ दिखा रहा था। यूरोप में बहुत सारी कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इंग्लैंड वगैरह, ये बहुत सारी कंट्री आप देख सकते हो, इनको समझ सकते हो। ओके, ये यूरोप हो गया। उसके बाद में यहाँ यूरोप जो मैं दिखा रहा था आपको जूम में, ठीक है। उसके बाद यूरोप के बाद यहाँ ये मेडिटेरेनियन सी है, जस्ट ये मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन के बाद में इधर वाला सारा एशिया शुरू हो जाता है। तो इसी एशिया में इंडिया की लोकेशन है। इंडिया के जस्ट नीचे इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन के बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको साउदर्न ओशन नजर आता है। पहले इंडियन ओशन, फिर साउदर्न ओशन नजर आता है। ओके, और इधर के साइड में फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर ये नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक हो जाता है, जो अमेरिका के साइड में थे उधर, ठीक है। क्यों, अर्थ गोल होती है, तो अगर अर्थ को हम मैप पे समझना चाहते हैं तो फिर नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक आपको ऐसे नजर आते हैं। ओके, और ये सारे इंडोनेशियन कंट्री, यहां पर फिर है इंडिया की लोकेशन, और जस्ट फिर इधर की साइड में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारा काफी पुराने टाइम में जो है ट्रेड होता रहा है। तो ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हो इंडिया के जो है अलग एक साइड में, जैसे आप देख सकते हो इंडिया की इस साइड में पाकिस्तान है, और ऊपर की साइड में ये वाला अफगानिस्तान हो गया, उधर की साइड में चाइना है, ये नेपाल रहा, नेपाल के बाद में आप देख सकते हो कि ये भूटान, ठीक है, और ये हो गया आपका म्यांमार कंट्री। ओके, और उसके बाद ये वाला सारा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और ये हो गया सारा इंडोनेशिया कंट्री। ओके, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका न्यूजीलैंड। तो इंडिया ये रही, यहाँ देखिए इंडिया। तो यहाँ इंडिया की लोकेशन आप देख सकते हो कि इसके चारों ओर पानी पानी है। ये बे ऑफ बंगाल का पानी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर एरिया, और उसके जस्ट ऊपर बांग्लादेश आप देख सकते हो, और ये वाला श्रीलंका, और श्रीलंका के बीचों बीच में वाटर बॉडी जो है उसको हम पाक स्ट्रेट या जो है पाक स्ट्रेट एरिया बोलते हैं, और यहाँ पे मन्नार की बे भी है, द बे ऑफ मन्नार यहाँ पर होती है। उसके बाद आप देख सकते हो इधर की साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। ओके, और नीचे की तरफ फिर इंडियन ओशन है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल हमारा एरिया होता है, इंडियन जो ओशन एरिया है वो 12 नॉटिकल माइल है, और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं, ये सारे इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है। तो इसी इंडिया के बारे में हमें समझना है। ओके, इसी इंडिया की लोकेशन अब ग्लोब पे देख लेते हैं कि क्या ग्लोब पे उसकी पोजीशन है। आप देख सकते हो आपके सामने ग्लोब है, इस ग्लोब में जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पूरी लाइन जो है ये इक्वेटर लाइन है, आप देख सकते हो ये इक्वेटर लाइन है, अर्थ को बीचों बीच पार्ट करती है। ऊपर वाला पार्ट सारा का सारा क्या हो जाता है, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन नीचे वाला पार्ट जो हो गया वो सारा साउदर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट मैंने आपको दिखाया था उसमें से थ्री लाइंस कवर करती हैं, इक्वेटर लाइन भी आती है, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आती है, और कैप्रिकॉन वगैरह, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा अफ्रीका वाला पार्ट पूरा, मैं आपको अफ्रीका के बारे में बता रहा था। तो ये आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और ये आ गई आपकी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और ये आ गई इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और ये होगी इक्वेटर लाइन, और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइन, ठीक है। तो तीनों लाइन इसमें से क्रॉस होती है, और ये रहा फिर आपका एशिया का एरिया। आप देख सकते होगी ये एशिया का एरिया यहाँ शुरू हो जाता है, और इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है, इस जगह पर है। ये पूरी अर्थ पे इंडिया 2.42% है, पूरी अर्थ पे इंडिया का जो हिस्सा है, जितनी जमीन है इंडिया की पूरी अर्थ पे, वो 2.42% ही है केवल। ओके, मतलब कि पूरी अर्थ का पार्ट अगर देखें, इंडिया कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है उसका, तो वो 2.42% है, केवल 2.42% है। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हो उसके नियर बाय सराउंडिंग सर्कल में, ये आपका देखो यहाँ पे ये फिलीपींस आइलैंड हो गया, और ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा वगैरह सारे आते हैं, और उसके बाद ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ग्लोब पे अर्थ की लोकेशन है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरह से जो ग्लोब पे लाइनें बनी होती है, आप देख सकते हो ऊपर के से नीचे तक वो सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, और इस तरह से बीचों बीच जो पैरेलल जो होती है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह लाइनें बनी हुई है। चलो इसको समझ लेते हैं, ग्लोब के अलावा हम बोर्ड पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप बोर्ड पे देखिए, ये रहा आपका अर्थ जो मैंने आपको दिखाया है, ग्लोब के ऊपर दिखाया है। तो इसके ऊपर जो है कुछ लॉन्गिट्यूड्स बनी हुई है, 360 टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती है। कितनी होती है? 360 टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती है, 360, ठीक है। पूरी अर्थ पे 360 होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनी होती है, 360 होती है, ठीक है। और जो ये वाली जो लाइन होती है बीचों बीच, जो लंदन के बीचों बीच निकलती है, उसको प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, GMT लाइन बोलते हैं। ये वाली जो बीचों बीच लाइन होती है, इसको PM प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ओके, और उसके जो अर्थ के बीचों बीच जो क्रॉस कर रही है, वो आपकी इक्वेटर लाइन हो जाती है। इस तरह से अर्थ के दो हिस्से हो जाते हैं। इस तरह देखे तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस तरह नीचे की तरफ देखे तो ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, और इस तरह देखते हैं तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ इस तरफ देखते हैं तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया वेस्टर्न। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड है। ओके, ये वेस्टर्न साइड होगी, इस तरह से है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये इंडिया का मैप मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 2.42% यानी कि 2.42 यानी कि 2.42% का हिस्सा है सारा, ठीक है। और ये इक्वेटर लाइन हो गई, यहाँ से फिर हमारे लैटिट्यूड शुरू हो जाते हैं 8 degree 4 minute। यहाँ साउथ वाला पार्ट 8 degree 4 minute लैटिट्यूड, और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, 8 degree 4 minute नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 degree 6 minute नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड वाइज हो जाती है। लैटिट्यूड 8 degree 4 minute से लेकर 37 degree 6 minute के बीच में लैटिट्यूड होते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए, अब लिखा हुआ यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया कितना है, 8 degree 4 minute नॉर्थ टू 37 degree 6 minute नॉर्थ है। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTSC में भी बहुत बार आए हैं, 10th में और 11th में भी बहुत बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये होती है अक्षांश लाइनें, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये होती है देशांतर लाइनें, ठीक है, देशांतर लाइंस और लॉन्गिट्यूड्स। तो हमारा लॉन्गिट्यूड कहां शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 degree 25 minute। ये देख सकते हो आप यहां पे, ये रहा लॉन्गिट्यूड का 68 डिग्री, ठीक है, और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये रहा लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया 97 degree 25 minute, ठीक है। और अर्थ के बीच, हमारे इंडिया के बीचों बीच लाइन जो क्रॉस करती है, वो आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन लिखा हुआ है, मैंने देख सकते हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ये बीचों बीच इंडिया को क्रॉस करती है। तो आधा इंडिया हॉट जोन में आ जाता है, आधा इंडिया टेम्परेट जोन में आ जाता है। हॉट जोन को हम टोरिड जोन भी कहते हैं, हॉट जोन को हम टोरिड जोन भी कहते हैं, और हॉट एंड कोल्ड जोन को हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं, ठीक है, टेम्परेट जोन भी कहते हैं। ओके, तो आगे देखिए, फिर इंडिया आधा टेम्परेट जोन में आता है, आधा फ्रिज जोन में, सॉरी आधा टोरिड जोन में और आधा टेम्परेट जोन में। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला सारा टेम्परेट जोन है, और नीचे जो साउथ इंडिया जो वो टोरिड जोन में है। ओके, तो अब आगे समझ लेते हैं, अर्थ की ग्लोब के ऊपर, ऊपर की साइड में 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल होता है, अर्थ के नीचे की साइड में 90 डिग्री पर साउथ पोल होता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? दूसरा नंबर कर लो, ठीक है, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। ओके, और इसके अंदर
ठीक है ओके, तो देख सकते हैं और साउथ पोल हो गया, और फिर उसके बाद में साउथ पोल की तरफ होता है एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल की तरफ होता है ओके, और नॉर्थ पोल की तरफ होता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है ओके। आप देख सकते हो मैंने यहाँ सन यानी कि सन की इमेज बनाई हुई है, और वो जो है उसकी सीधी स्ट्रेट रेंज जो होती है वो ज़्यादातर टॉरिड जोन में, हॉट जोन में ही आती है ओके। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये हो गया आपका जो वर्टिकल, तो ज़्यादातर टॉरिड पे होती है और फिर डिस्टेंट होती हुई आगे चली जाती है ओके। तो आप देख सकते हो इसको हम क्या कह सकते हैं, टॉरिड जोन एरिया, ये सारा टॉरिड जोन एरिया हो गया। 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन, और 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न लाइन, कैप्रिकॉर्न लाइन, ठीक है ओके। तो यहाँ ये हम समझ लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन इस पे क्या है ओके। अब समझना ये है कि इस तरह की जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस जो है वो ग्रीक कंट्री वालों ने तैयार की थी, ग्लोब का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया उन्होंने और इमेजिनरी लाइंस उन्होंने तैयार कर दी। ग्लोब क्या होता है, आपने सिक्स में भी सेवन्थ में पढ़ा होगा, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। तो इसके ऊपर हम लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड लाइन दोनों को हम शो कर सकते हैं, और उसके बाद ग्लोब हमें समझ में आ जाता है ओके। तो अब समझ लेते हैं कि भाई जो अर्थ के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड्स कितने 360 हो गई, लैटिट्यूड कितने 181, लैटिट्यूड टोटल, टोटल लैटिट्यूड ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ ग्लोब वो 181 होती है, और टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, टोटल लॉन्गिट्यूड होती है हमारे पास 360 ओके, 360 होती है, याद रखना ये चीजें, छोटी छोटी कॉमन कॉमन चीजें याद रखनी है। अर्थ का पार्ट में दिखाया हुआ यहाँ पे, पूरी अर्थ पे 2.42% ही अर्थ के ऊपर हमारा इंडिया है ओके। अब समझ लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन वाइज जो फिजिकल स्ट्रक्चर वाइज कितना है, ठीक है। एक बात याद रखें आप लोग कि एक लॉन्गिट्यूड को सनरेज पार करने में 4 मिनट लगाती है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट लगाती है। इसका मतलब इंडिया में से अगर 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं और 30 ही लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया में टाइम का डिफरेंस 120 मिनट का आ जाता है। कैसे, आप देख सकते हो अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स है 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट को हम अगर माइनस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 29 मिनट का आ जाता है। देखो यहाँ पे किया हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट को में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है उसका, मतलब कि टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो गए 29.18, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो गए 29.18 ओके। इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखते हैं 30 लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, क्या लिखते हैं 30 लॉन्गिट्यूड में, या लिख सकता हूं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 30 लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया में से क्रॉस करते हैं। तो अगर एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में सनरेज 4 मिनट लगाती है तो 30 लॉन्गिट्यूड को पार करने में 120 मिनट वो लगाएगी, ठीक है। इसीलिए इंडिया का जो है हम आईएसटी, इंडिया का आईएसटी जो है हम किस पे 82 डिग्री 30 मिनट पे सेट करते हैं ओके। अब एक बार देख लेते हैं कि इंडिया का एक्चुअल इमेज दिखता कैसे है, ठीक है। आप इंडिया का मैप देख सकते हो, पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो इंडिया पॉलिटिकल मैप है पूरा का पूरा। ये इस इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये जम्मू कश्मीर है, इसको मैंने 37 डिग्री और 6 मिनट दिखाया था आपको, और ये साउथ वाला पार्ट हो गया, आप देख सकते हो ये हो गया 8 डिग्री और 4 मिनट, है ना। तो इस तरह से पूरा इंडिया का ये मैप है आपके सामने, आप देख सकते हो चारों तरफ पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 7 कंट्री है जो इंडिया के चारों तरफ होते हैं। एक अफगानिस्तान ये रह गए यहाँ पे, ठीक है, इंडिया, अफगानिस्तान 2 हो गए, फिर चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5 और बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7, यहाँ पे म्यांमार लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह 7 कंट्री और 8 कंट्री श्रीलंका जो बाउंड्री से तो नहीं लगा हुआ है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू, गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया पूरा, ये पानी का वाटर एरिया, और ये पाक स्ट्रेट से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये है इंडिया। अब मैंने आपको बताया था आईएसटी के बारे में, तो आप देख सकते हो ये रहा लखनऊ इंडिया में, यूपी में लखनऊ, और लखनऊ के नजदीक इलाहाबाद में, ठीक है, लखनऊ के नजदीक इलाहाबाद में यहाँ पर ही जो है सेट किया गया है आईएसटी इलाहाबाद। ये देख सकते हो यहाँ पे इलाहाबाद दिखा रहा हूं मैं पॉइंट आउट करके,
इस जगह पर अलाहाबाद है, इस जगह पर अलाहाबाद में, इस जगह पर अलाहाबाद में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST सेट किया गया। क्या किया गया है? IST सेट किया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है। कौन जगह पर? अलाहाबाद में और मिर्जापुर नैनी जगह पर। नैनी एक प्लेस है जहां पर इंडिया का IST सेट किया गया है। ओके, और IST जो हमारा है वो 5 hours and 30 minutes ग्रीनविच मेन लाइन से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अगर लंदन में रात के 12 बजते हैं तो हमारे इंडिया में टाइमिंग सुबह के 5:30 दिखाएंगे। अगर लंदन में रात के 12 बजते हैं यानी कि इंग्लैंड से जो ग्रीनविच मीन लेबोरेटरी है वहां पर अगर रात के 12 बजते हैं तो यहां सुबह के 5:30 शो करेंगे। ओके, तो 5.5 घंटे हम आगे हैं उनसे। ओके, और जो है ये कितने डिग्री पर है? 82 degrees and 30 minutes। कितने डिग्री पर है? 82 degrees and 30 minutes पर है ये। कितना? 82 degrees and 30 minutes पे हमने ये सेट किया है। ओके, चलो अब देख लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन वाइज जो है उसमें क्या समझना है अपने को। ठीक है, तो देख सकते हैं इंडिया की जो लेंथ है पूरी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, ये टोटल लेंथ है इसकी 3214। कितनी है? 3214, 3214 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन पूरी चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद में जो ईस्टर्न वेस्टर्न एरिया है मतलब कि इधर गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा एरिया वो 2933 है, 2933 किलोमीटर का एरिया ये हो गया, 3214 किलोमीटर का एरिया ऐसे हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा जो लेंथ है इंडिया का वो 3214 किलोमीटर है और इधर से लेकर उधर तक अगर देखा जाए तो वो 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार की बाउंड्री लाइन को भी देखी जाए, प्लस में लक्षद्वीप को भी देखा जाए एरिया वाइज, तो हमारा टोटल एरिया हो जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में आइस्ट मैंने बताई दिया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो हमारे 8 states से क्रॉस करती है, टोटल 8 states से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.5 पे जो बनी हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन आप देख सकते हो ये रही। ठीक है, इस पे 23.5 पे कैंसर लाइन जो निकलती है वो 8 state को पार करती है। कितने स्टेट? 8 state, 8 राज्यों को पार करती है। कितने राज्यों को पार करती है? 8 राज्यों को, 8 state को पार वो करती है, यानी कि 8 states को वो पार करती है। तो देख सकते हैं पहला स्टेट गुजरात हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? राजस्थान हो गया, तीसरा वाला MP। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद में झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम, इन सबको पार वो करती है। और आधा इंडिया फिर टॉरिड जोन में कवर हो जाता है और आधा फिर टेम्परेट जोन में, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट फिर होता है, ओके। तो अगले पार्ट में हम पार्ट 2 में समझेंगे कि इंडिया के चारों तरफ नेबर कंट्री जो है वो कौन कौन से हैं, कितनी बाउंड्री लाइन है, कितना हमारा टोटल लैंड कवर है और कितना हमारा कोस्टल कवर है, वो सारा पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, इस लेसन के इंडिया लोकेशन के पार्ट 2 में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी इस पार्ट में हमने लैटिट्यूड इसके जो है समझ लिए हैं, इसकी लेंथ और विड्थ समझ ली है इंडिया के लिए। ठीक है, और जो है अर्थ के ऊपर इसकी लोकेशन कितनी है, कितना परसेंट है, कौन से हेमिस्फीयर में, ये हमने समझ लिया है। और यूरोप वर्ल्ड के मैप पे इंडिया की लोकेशन कहां पे है, कि एशिया में है कि यूरोप में, तो एशिया में मैंने आपको बताया था एशिया में है वो, और मैंने आपको मैप भी दिखाया था। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और सेकंड पार्ट में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे।